बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा परिवारवाद की जंग छिड़ी रहती है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर ताना कसने और बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटती। आए दिन ऐसे बयान आते रहते हैं जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। लिहाजा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैबिनेट के गठन के बाद परिवारवाद को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पोस्ट शेयर करते हुए एनडीए से सवाल पूछा है कि पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद खाने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि कथनी और करनी को इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने एनडीए के मंत्रिमंडल को परिवार मंडल भी बताया है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी से 0.0 कैबिनेट में शामिल नेताओं के नाम भी साझा किए हैं। शेयर किए कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम HD कुमार स्वामी और उसके नाम के नीचे पिता HD देवगौड़ा भी लिखा है। और राहुल गांधी ने यह भी बताया कि यह पूर्व PM के बेटे हैं। इसके अलावा लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, रक्षक हरसे जयंत चौधरी, चिराग पासवान, JP नड्डा, कमलेश पासवान, रामनाथ ठाकुर, राम मोहन नायडू, जतीन प्रसाद, शांतनु ठाकुर राव, इंद्रजीत सिंह, पीयूष गोयल, कीर्ति वर्धन सिंह, वीरेंद्र कुमार, खटीक रवनीत सिंह, बिट्टू धर्मेंद्र प्रधान, अनुप्रिया पटेल, अन्नपूर्णा देवी के नाम का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी के अलावा लाल यादव के बेटे और तेजस्वी यादव ने भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा है। तेजस्वी यादव ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सांसदों की एक लिस्ट शेयर की है जिसमें वही नाम शामिल है जो राहुल गांधी के लिस्ट में है। बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को मिलाकर 72 नेता शामिल हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शपथ ग्रहण करने के पश्चात अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था।